अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे और बहुत सारी खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वैसे इस मशीन से ना कॉफ़ी बहुत मज़े की बनती है। कॉफ़ी मशीन में बना लेनी है, मतलब ये तो जो दूध है उसको लैदा से गर्म करके ना, तो कप में डाल वो उसको लैदा करना है, फिर उसको कॉफ़ी डाल के, चीनी डाल के, दूध उसमें मिक्स करके, तो बहुत मज़े की कॉफ़ी बनती है ये। मेरा आजकल ख़राब हुआ हुआ थोड़ा थोड़ा सा। और ये लस्सी बनाई है, दोपहर को ना हम लोग लस्सी पीते हैं, जब खाना खाना होता है ना तो साथ लस्सी रख लेते हैं, बहुत मज़े की लगती है। ये मेरा खाना है गोभी आलू चिकन का सालन, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी, रोटी और साथ लस्सी, बहुत मज़े का लगता है लस्सी के साथ खाना। मैंने ना आटा गूंदा था, गूंदते हुए नहीं बनाई थी वीडियो, मैंने बस वो ये कढ़ी पकौड़े बनाए थे हमने ना, तो थोड़ी सी कढ़ी बाज की, तो मैंने कहा अभी इसको ज़ाया ज़रूर करना है, तो मैं ना इसका आटा गूंद लेती हूँ। अभी इसकी ना मैं रोटियाँ बनाऊँगी ऑयल वाली, ना नाश्ते में बहुत मज़े की लगती हैं ऑयल वाली रोटी, इसकी कढ़ी वाले जो आटा गूंदा, और साथ में चाहे हो ना अचार वगैरह हो तो बहुत मज़े का लगता है। ये मेरा छोटा बेटा सो के उठा था तो मैं वीडियो बना रही थी, ये अपने मुंह के डिज़ाइन बना रहा था, तमाशा लगा रहा है, अपने आप को देखे ना बड़ा खुश होता है, मिरर में देख के, फ़ोन में देख के बड़ा खुश होता है देख के। मैं अपने बेटे को, दूसरे बड़े बेटे को स्कूल से लेने जा रही हूँ, तो चलिए आपको भी साथ ले कर चलते हैं। बहुत ठंडा मौसम हुआ हुआ, इतना अच्छा पिछले दिनों में मौसम हो गया था, लगता था कि जैसे ना सर्दी ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ तो सर्दी अप्रैल में, अप्रैल के एंड में जाके ख़त्म होती है, मई में भी कभी कभी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। स्नो का भी बताया हुआ कि ना स्नो स्टॉर्म भी आना है, बस अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे सबको। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी आज, ये हमारे बाहर बिल्डिंग का नज़ारा कुछ ऐसे नज़र आता है। हमारी बिल्डिंग के पास ही पार्क है, तो समर में फिर बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं, बच्चे अपना खेलते हैं, घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो जाना आना भी आसान है। फिर मैं इनको लेके जाती होती हूँ, दोनों भाइयों को, गर्मियों में ना, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, कभी स्लाइड करने लग जाते हैं, कभी स्विंग करते हैं, फिर शीशा करने लग जाते हैं, फिर घर आने का नाम ही नहीं लेते, कहते हैं कि हम लोग ना बस पार्क में ही रहें सारा दिन। मैं पहुंच गई स्कूल के पास, ये है मेरे बेटे का क्लास ना, इधर इस गेट से वो जाते होते हैं अंदर, ये बच्चे पास अब आना शुरू हो जाएंगे। आ रही है इनकी क्लास ना, मुझे देख लेता है कि मम्मा आ गई हैं लेने, बाय भी कर देगा, लेकिन ना उतनी देर तक आना नहीं होता, इसलिए मेरे पास अब तक टीचर नहीं गए ना कि मोहम्मद अली आपकी मम्मा आ गई हैं चले जाओ, तब आना जब टीचर कहेंगे। मस्ती होती है, मैंने कहा टीचर की इजाज़त के बगैर नहीं कदम आगे बढ़ाने हैं ना, बेशक मम्मा का देख लिया, लेकिन नहीं, टीचर कहेंगी तो आना है। ये लें जी आ गया,
माशाल्लाह। और अभी वापस जाएंगे ना तो उधर अहमद ने आ जाना अपने दत्त बुक ले के नीचे के, मैंने भी भाई लेने जाना है। पहले मैं ले आती थी होती थी उसको साथ, मौसम अच्छा होता था तो, लेकिन अब ना ठंड बहुत होती है तो मैं उसको नहीं लेके आती। तो वो क्या करता है आराम से अपने दादा बुक नीचे लेके आ जाता है कि हम उधर खड़े होके ना वेट करते हैं भाई का, भाई को लेने जाना है दादा बुक, मैंने भाई लेने जाना है। तो फिर अबू उसको नीचे लेके आते हैं, फिर ऐसे हाथ निकाल के खड़ा हो जाता है कि मैं भाई को हक करना है। मैंने सुबह से बिछड़े होते ना बेचारे 6 घंटों बाद मिलते हैं। खैरियत से पहुंच गया मेरा बेटा घर। अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करे, सबको अपनी हिफ्ज अमान में रखे। तो चलें जी, अब ये देखिए अब ना अपना लंच कर रहा है, स्कूल से वैसे वापस ले आता है, आधा खाता है आधा वापस ले आता है, फिर घर आके खाता है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।